बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिसे सभी डीटीएच व केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है। नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपको घर बैठे सप्ताह के प्रथम 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी, तथा प्रत्येक शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ साथ मनोरंजक कहानियों व कठपुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में गणित विषय में समुच्चय भाग 3 व 4, कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था अध्याय से एकक कोष्ठिका के प्रकार। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था समुच्चय क्लास 11 का, उसका पार्ट 3। और पेन कॉपी लेकर बैठना है, मुझे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा पूरा, आपको ढंग से समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर। यानी कि एक तो सूची विधि हमने पढ़ी और एक हमने क्या पढ़ी थी, समुच्चय निर्माण करने की विधि। अब बच्चों, जितना अब तक हमने पढ़ लिया ना, उसके कुछ क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है? फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 यदि आपने देखा हो तो हमने लास्ट वीडियो में ढंग से कर लिया था, एक बार दोबारा मैं और समझाता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक आती है -2, ठीक है, और एक आती है 1। यानी कि x की वैल्यूज हमारे पास आ रही है, ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अब एक बार उसको दोबारा देखना ढंग से, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। अब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक कैपिटल A से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, -2, 1, जैसा कि हमने पढ़ा था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन किया हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करवा दिया। उदाहरण नंबर 2 बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स हैं जिनको मैं डिटेल से तुम्हें समझा रहा हूँ अप्लाई कैसे करने है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय एक्स, जहां एक्स एक धन पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी एक्स स्क्वायर छोटा है बच्चों किससे, 40 से। तो बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखिए बच्चों, धन पूर्णांक है, अगर धन पूर्णांक है तो मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, ये हमने पहले पढ़ लिया बेसिक क्लासेस में। अब ध्यान से देखिए, को रोस्टर रूप में लिखना है तो इससे किसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल A से, ऐसे मान लिया अपन, है ना। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर विधि के लिए हम क्या करते हैं, मंझला ब्रैकेट अपन लगाते हैं। अब 40 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे को लेनी है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब मैं 7 यानी कि 7 बिल्कुल नहीं ले सकता, 49 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में होगा ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव बच्चों कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। समुच्चय A बराबर 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, एक धन पूर्णांक और x स्क्वायर लेस देन 40, लेकिन यहां पे तो कोई लिमिटेशन है नहीं ना, ये तो अनंत तक जा रहा है, बहुत सारे होंगे। अब समुच्चय निर्माण विधि मैंने आपको सिखा दी कैसे लेता है अपन, तो ध्यान से देखिए आइए, ये समुच्चय A हमारा, ठीक है। यहां पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि माना कि x, जहां अब इसके हमने क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म हमारे को लिखने हैं। अब गुणधर्म में बच्चों क्या है, गुणधर्म में परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां, x बराबर n स्क्वायर। अब अभी तक ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि n को भी बताना पड़ेगा, n क्या है, जहां, ठीक है,
एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अब ये कंप्लीट। हमने क्या बोला, एक समुच्चय एक्स है जहां इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, एक्स एन स्क्वायर है यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई सभी के? अब नेचुरल नंबर से क्या मतलब है, प्राकृत संख्याओं से क्या मतलब है, एक से लेकर अनंत तक चलेगी, तो वही उसका, ये इसका रोस्टर रूप है और ये इसका समुच्चय निर्माण विधि है, सेट बिल्डर मेथड। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है ना, मतलब ये बातें समझ में आएंगी तो ही तो अपन एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मजा आ रहा होगा बच्चों अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुच्चय एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटा पांच, पांच बटा छह, छह बटा सात को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, जैसे मैंने इसको देखकर ये ऐसा लिखा, ठीक है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंगल मेथड नहीं होता, बस उसकी प्रॉपर्टी ढंग से डिफाइन होनी चाहिए। एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते थे, देखो ऐसे कोई जरूरी नहीं, इस तरह से लिखे, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स एक, एक्स एक प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या है, अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही क्या? मैंने दूसरे वीडियो में आपको ढंग से समझाया था कि समुच्चय निर्माण विधि का कोई अद्वितीय रूप नहीं है, कोई यूनिक मेथड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, जैसा आपको लगे आप वैसा लिख सकते हैं। ये लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुच्चय एक बटा दो, दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटा पांच, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, एक ऊपर नंबर कम है, नीचे एक ज्यादा है, ऊपर एक नंबर कम है, नीचे एक ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आइए बच्चों, बहुत आसान है, देखो माना कि समुच्चय ए है हमारा, ये हमने इसको मंझला ब्रैकेट में ब्रेक पैक कर दिया। अब चलते हैं बच्चों, ऊपर एक कम है, नीचे एक ज्यादा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, एक्स समुच्चय है जहां एक्स बराबर बच्चों क्या है, एन अपॉन एन प्लस वन, बोलो हाँ है ना भाई, एन का मान एक रखो तो नीचे दो आएगा, दो रखो तो तीन आएगा, तीन रखो तो चार आएगा, चार रखो तो पांच आएगा, पांच रखो तो छह आएगा, छह रखोगे तो सात आएगा, लेकिन सर इसमें सात रखोगे तो आठ आएगा, तो अभी तक हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे, जहां, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन का संबंध किससे है, बोलो किससे है, जल्दी बताओ, एन का संबंध बच्चों किससे है, प्राकृत संख्या से है, लेकिन क्या बोलेंगे, एन शुड बी लेस देन और इक्वल छह। अब ये कंप्लीट हो गया, अब बात को समझना बच्चों, देखो एक्स जहां एक्स बराबर है एन अपॉन एन प्लस वन के, जहां एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन एक प्राकृत संख्या है, लेकिन एन या तो छह के बराबर होना चाहिए, छह से छोटा होना चाहिए, इतनी सी बात इसने लिख दी, बस बात समझ में आ गई बच्चों, दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, ये भी सही है। अच्छा, इसका एक मेथड आप और लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, बिल्कुल घर की बात है। देखो कैसे, मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए, सर ये समुच्चय है, ये सब x हमारे पास, ठीक है, जहां x x बराबर n अपॉन n प्लस वन, एन के लिए क्या लिख दे बच्चों, एक और एक से बड़ा और छह से छोटा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी कि बात को समझो बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि को प्रदर्शित करने हेतु कोई यूनिक मेथड नहीं होता, जैसा आपको लगे वैसा लिख दो, लेकिन बस उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफाइन होनी चाहिए, मतलब एग्जामिनर आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इसने क्या कर दिया, अगर वो ये पढ़े तो भी उसकी भावनाएं इस पर ही जानी चाहिए, ये पढ़े तो भी उसकी भावनाएं इस पर ही जानी चाहिए। बात समझ आ रही बच्चों सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर पांच, इन सब इनको पॉज करके आराम से नोट डाउन करना आप, ठीक है। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, यानी कि लेफ्ट हैंडेड साइड है बच्चों, कौन सा रूप है रोस्टर, दिखाई दे रहा है अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बहुत सारे बेसिक से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और राइट हैंडेड साइड में, यानी कि दाईं तरफ बच्चों क्या हमारे पास, समुच्चय निर्माण विधि, तो हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन ने बोला कि लेफ्ट हैंडेड साइड में तो रोस्टर होना चाहिए और राइट हैंडेड साइड में समुच्चय निर्माण होना चाहिए, तो उसको क्लिक करना है कि कौन किसका रिलेशन किससे है, तो बहुत आसान आओ, प्रिंसिपल पी आर आई एन सी ए एल, ये एलिमेंट्स हैं किसी सेट के। अब इनमें से अपन देखते हैं बच्चों, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने क्या समझाया था, यदि कोई लेटर, यदि कोई अवयव
एक से अधिक बार रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको तो उसको एक ही बार लिखते हैं सेट बनाते समय। ठीक है, तो इसको इससे लिंक कर दें अपन। ठीक है, अच्छा जीरो एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, ये तो बिल्कुल नहीं बेटा ना। एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 10 है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं बेटा। एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो बच्चों यहां से अगर अपन सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब इसका संबंध सीधा इससे होगा। ठीक है, अरे बहुत आसान है, क्या कर रहे हो वैसे, आगे बढ़ो। 1, 2, 3, 6, 9, 18 एक्स एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है, ये वाला बिल्कुल बैठ गया। देखो 18 में 1 का भाग भी जाएगा, 18 में 2 का भाग भी जाएगा, मतलब बहुत बेसिक है बच्चों भी तुम्हारा। ठीक है, 18 में 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा, तो तीसरे का संबंध ए से हो जाएगा। अब बचे हुआ का संबंध होगा होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों एक टाइपिंग एरर है जो मैं सही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर केवल 0 है, 10 नहीं है। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसको यदि हम हल करते हैं तो एक्स स्क्वायर का मान बच्चों कितना आ जाएगा 9, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3, यानी कि चौथे का रिलेशन किससे होगा, दूसरे से होगा। यानी कि ये केवल नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इन्हीं प्रश्नों पर आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 पूरी निर्भर है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये जो तीनों वीडियो मैंने बना दिए, इनको बिल्कुल आपको ढंग से देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मतलब बच्चों बेसिक पे इतना जोर दिया जा रहा है, ताकि बेसिक इतने जोरदार होंगे ना, मतलब तो आपको एक्सरसाइज करने में जोर ही नहीं आएगा 1% भी। ठीक है, तो जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों। आज का अगला पाठ कक्षा 11 में गणित विषय में समुचित भाग 4। क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर, जिसके तीन पार्ट हमने पढ़ लिए। आशा करता हूँ तीनों पार्ट्स आपके ढंग से समझ में आ गए होंगे। हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा सेट्स का, समुच्चय होते क्या है, इनका यूज क्यों हम करते हैं, फिर हमने उनके प्रकार पढ़े, हमने उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए लास्ट वाले वीडियो में। अब हम चलते हैं बच्चों पार्ट 4 पे। इससे हम क्या करेंगे, आपकी बुक कि एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो एक एक प्रश्न को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे, तो आराम से हर प्रश्न के बाद वीडियो पॉज करना, उसको नोट डाउन करना अपनी लैंग्वेज में, और पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश करना। और यदि अब तक के वीडियो आपके ढंग से समझ में आ गए होंगे, तो 1.1 के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर देंगे मेरे साथ साथ। चलो बच्चों बिना समय गवाए अपन स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, तो बच्चों तो बहुत आसान है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, समुच्चय क्या होते हैं, समुच्चय कहते किसे हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम बच्चों क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, तो उसी के आधार पर अपन करते हैं ना। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाली वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बच्चों बताओ, मैंने क्या बोला था, सुपरिभाषित संग्रह से मतलब है कि उसको निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। अभी क्या बताओ, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। ठीक है, तो बच्चों जे से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से होते हैं, मैं लिखें एक बार कौन कौन से होते हैं, जनवरी, ठीक है, एक कौन सा होता है जून, और फिर कौन होता है जुलाई। यानी कि तीन महीने होते हैं जिनका पहला अक्षर बच्चों कहां से प्रारंभ होता है, जे से प्रारंभ होता है, बोलो हाँ है ना। यानी कि हम जनरली इनको क्या लिख दें बच्चों, अगर इंग्लिश की बात करें तो हम क्या लिखेंगे इनको, अब प्रॉपर मैं समुच्चय बना देता हूं, समुच्चय के लिए क्या लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस, मंझला ब्रैकेट। तो पहला तुम क्या लिखोगे, जनवरी, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, जून, फिर कोमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, जुलाई। अब एक बार बताओ, जे शब्द से प्रारंभ होने वाले, ये मेरे लिए भी ये तीन ही है, आपके लिए भी तीन ही है। आप किसी तीसरे व्यक्ति से पूछो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं, तो वो बंदा भी बच्चों क्या बोलेगा, वही जनवरी, जून एंड जुलाई बोलेगा। इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, यह एक समुच्चय है। अब बच्चों ध्यान से सुनो ना, हमें मैथमेटिक्स स्किल समझनी है, फिर लिखते टाइम एक बात तुम दिमाग में फिट कर लो हमेशा ना, लिखते टाइम आपको ये समझना है कि एग्जामिनर केवल आपको देख पाएगा, वो आपको सुन नहीं सकता। यहाँ पर बच्चों आप मुझे देख भी पा रहे हो, सुन भी पा रहे हो, बात समझ रहे हो क्या। यानी कि हम बात करें, कंपटीशन एग्जाम्स की पढ़ाई करने का तरीका अलग होता है, ठीक है,
यहाँ पर, वहाँ पर बच्चों केवल हमें आंसर से मतलब होता है, मेथड कोई भी हो, चाहे हम शॉर्टकट लगा रहे हो चाहे लॉन्ग कट लगा रहे हो, यहाँ पर हमें प्रॉपर मेथड के साथ प्रॉपर आंसर, एग्जैक्ट आंसर चाहिए होता है। तो हम लोगों को इसमें क्या करना होता है, आप मेरी भावनाओं को समझो, मैं तुम्हें कैसे समझा रहा हूँ, आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, फिर आप कॉपी में उसको अपनी भाषा में लिखो, लेकिन आप ऐसा लिखो कि एग्जामिनर केवल आपको देख पा रहा है, उसमें सब कुछ लिख दो, ये मानो एग्जामिनर बिल्कुल, एग्जामिनर को कोई नॉलेज नहीं है, आपको उसको सब कुछ बताना है कि मैंने ये क्यों लिखा, मैंने इसका ये लिखा तो इसका रीजन क्या है, सब कुछ उसमें आपको मेंशन करना है। तो औचित्य में आप क्या लिखेंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम अद्वितीय हैं, जनवरी जून और जुलाई, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए इसको मापदंड निर्णय करने का मापदंड भिन्न भिन्न नहीं है, इतनी भाषा आपको पूरी लिखनी है, ठीक है, फिर आपके पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बच्चों रीजन समझ में, और प्रश्न करते हैं। दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बच्चों जब ये आता है ना सबसे बेस्ट की बात हो, प्रतिभाशाली की बात हो, विख्यात की बात हो, तो इसको निर्णय करने का मापदंड हमेशा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे इसने क्या बोला, प्रतिभाशाली लेखक राइटर्स, तो क्या पता मुझे कौन सा राइटर पसंद हो, वो राइटर आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, तो ये तो बिल्कुल अलग अलग हो गया ना, इसका मतलब एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, आप ये रीजन लिख देना, और हम क्या बोल देंगे, ये एक समुच्चय नहीं है, मैंने क्रॉस लगा दिया, आप क्या लिखेंगे, समुच्चय नहीं है, बात समझ में आ रही है। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब जो सर्वश्रेष्ठ को मापने का आंकलन हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्या पता किसी को ब्रायन लारा बिल्कुल पसंद है, किसी को ब्रायन लारा बिल्कुल ही पसंद नहीं है, कोई सचिन तेंदुलकर को बिल्कुल बेस्ट मानता है, किसी की नज़र में सचिन तेंदुलकर इतना बेस्ट नहीं हो, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानता हो, कोई हरभजन सिंह को बेस्ट मानता हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई कपिल देव को बेस्ट मानता हो, यानी कि इसको निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न हो सकता है, अतः एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय नहीं है। अरे समझ में आ रही ना बातें, बहुत ही आसान है ना। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब कोई आपसे पूछे कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि आपके सभी साथियों का संग्रह, तो वो तो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। यदि आपकी क्लास में 42 स्टूडेंट्स है, 42 विद्यार्थी हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 42 ही है। आपकी ही क्लास के किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए आपकी क्लास के बालकों का संग्रह, तो वो भी 42 ही बोलेगा। 42 का मतलब 15, 20, 25, 60 जो भी हो, यानी कि एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक समुच्चय है। रीजन समझो और अपनी भाषा में लिखो, फिर आएगा मजा, है ना, क्लियर है। अच्छा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, बिल्कुल सुनिश्चित होगा, बिल्कुल यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, बिल्कुल सुपरिभाषित होगा, क्योंकि बच्चों 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 से लेकर 99 तक आएगा, 1 to 99, और वो सभी के लिए होगा। आपने दोस्त से पूछोगे कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन बताओ, तो वो भी क्या बोलेगा, 1 से लेकर 99। मुझसे पूछोगे तो मैं भी यही बोलूंगा, आपसे पूछोगे तो भी, आपसे कोई पूछेगा तो भी आप यही बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। तो एक सुपरिभाषित संग्रह है, तो हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय है। नेक्स्ट, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर लेखक का नाम आ गया प्रेमचंद, प्रेमचंद मुंशी द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो वो तो फिक्स ही होगी ना, ऐसा प्रेमचंद जी ने 100 उपन्यास लिखे, 50 लिखे, 60 लिखे, वो तो सुपरिभाषित है, बात समझ में आ रही क्या, सहमत होना मेरी बात से, इसका मतलब क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। अब पूर्णांक मैंने तुम्हें बेसिक क्लासेस के वीडियो तुमने देख लिए हो, जो पार्ट 3 तक हम पढ़ चुके हैं, मैंने समझाया था पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस प्लस जीरो, लेकिन धन पूर्णांक तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, तो किसी से भी पूछेंगे तो वो क्या बोलेगा, सर 1 से स्टार्ट होके अनंत तक चलेगा, बोलो है ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, यह भी एक सुपरिभाषित संग्रह, तो हम क्या बोल देंगे, हाँ जी एक समुच्चय होगा, बात समझ आ रही है ना बच्चों। इसका लास्ट, पहले क्वेश्चन का लास्ट देखो, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो बिल्कुल सुपरिभाषित होगा, आप काउंटिंग कर सकते हैं। यदि आपके किसी क्लास के, आपके किसी दोस्त से पूछा जाए कि पहली प्रश्न वाला में कितने प्रश्न है, तो बुक में काउंट करके वो आराम से बता देगा, साहब 20 है, 25 है, 30 है, आपसे पूछेगा तो आप भी वही बताओगे, किसे पूछे, तो एक सुपरिभाषित संग्रह हुआ ना, तो हम क्या बोलेंगे, यह भी एक समुच्चय है। तो बच्चों बात इतनी सी है, समुच्चय के बारे में हम क्या जानते हैं, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित से मतलब क्या है, उसको निर्णय करने का मापदंड पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए चेंज नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए, तो बात समझ में आई। अब आपको वीडियो पॉज करना है, इसका एक एक का रीजन लिखना है,
अपनी भाषा में। बच्चों देखो, सब कुछ बोर्ड पे अगर पका पकाया मिल गया तो फिर वो याद होगा, और याद होने से आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव नहीं होगी। बात समझ आ रही है कि आपको खुद को मेहनत करनी है। अब आप वीडियो को आगे बिल्कुल नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, कॉपी बनाओ बढ़िया सी, उसमें सॉल्यूशन अपने हाथ से लिखो। आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया, उस वीडियो को दोबारा देखो, आपके पास ही रहेगा, ठीक है। मैं चलता हूँ आगे, क्वेश्चन नंबर दो की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, मान लीजिए एक समुच्चय ए, इसके अंदर अवयव कौन कौन से बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। अब इनके बारे में मैंने तुम्हें समझा दिया पहले। अब देखो, पहले अगर मैंने बेसिक समझा दिया तो क्वेश्चन करने का मजा आएगा ना। अगर मैं पहले क्वेश्चन ले लेता तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब मेरे साथ साथ तुम्हारे अंदर से भी आवाज आएगी यदि आपने बेसिक्स देखे हो तो। एक भी वीडियो स्किप मत करना। कोई अगर पार्ट थ्री देख रहा है तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा बच्चों। आप पहले पार्ट वन देखो, पार्ट टू देखो, मतलब सिक्वेंस से पढ़ो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जीवन में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वादा है मेरा ना। ध्यान से देखो, इसके बारे में तुम क्या समझाया था, बिलोंग्स टू। अगर कोई अवयव उस समुच्चय का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, और नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उससे संबंध नहीं है। अब आ जाओ, क्या पांच इस समुच्चय में आ रहा है, क्या पांच इस समुच्चय का अवयव है, हम देख पा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यस बिलोंग्स टू। बस इतनी सी बात है, बहुत ही आसान है। अच्छा, एट, आठ, क्या आठ इस समुच्चय का अवयव दिखाई दे रहा है तुम्हारे को, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ रही है, सर डज नॉट बिलोंग, ये लीजिए, ठीक है। आगे जीरो, जीरो इसमें बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, इसका अवयव नहीं है, डज नॉट बिलोंग। चार, चार इसका अवयव है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, ये लो साहब बिल्कुल सही जवाब। अच्छा दो, अरे दो भी है इसमें, तो हम क्या बोल देंगे, बिलोंग्स टू। टेन, और टेन इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग, ये लीजिए। भाई समझाया था ना उस दिन, बराबर है बराबर नहीं है, किस चीज को नहीं है करना, उसके पर क्रॉस लगा दो बस, ठीक है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। वीडियो पॉज करेंगे, दोबारा करेंगे बिना देखे, बोलो बहुत आराम से, एक बार में बिल्कुल ढंग से पढ़ लो बच्चों, एक बार में ही अच्छी तैयारी हो सकती है, फिर आपको रिवीजन करना होगा बस, और रिवीजन करने के लिए वापस आप वीडियो देख सकते हैं। मतलब आपको आपकी मैथमेटिक्स की बुक कम से कम 5 बार करनी है आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। बच्चों कहते हैं एक ही बुक को एक व्यक्ति जीवन भर पढ़ सकता है, हम उसको जितना रिपीटेशन करते हैं उतनी उसकी गहराई में जाते हैं, कहते हैं ना, और कहते हैं गुड थिंग्स रिपीटेशंस आर ऑलवेज अलाउड, अच्छी बातों का रिपीटेशन करना हमेशा लाभदायक होता है, ठीक है जी। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर तीन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब ये सब जाना पहचाना से लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो हम ऐसे ही सुलटा देंगे इनको, तो ऐसे ही फोड़ देंगे हम जल्दी से, क्योंकि हमने पहले एग्जाम्पल्स कर लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, मैंने तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण, यानी कि पार्ट टू में मैंने दूसरे वीडियो में क्या पढ़ाया था कि समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रोस्टर रूप, सूची विधि, इसको टेबुलर भी बोलते हैं। एक कौन सा था, सेट बिल्डर मेथड, समुच्चय निर्माण विधि, उनके क्वेश्चंस भी किए थे हमने, बहुत सारे एग्जांपल्स भी किए थे। अब देखिए आइए क्या कह रहा है, लिखें रोस्टर रूप में, एक्स सच दैट, जहां एक्स एक पूर्णांक है, ठीक है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, यानी कि -3 भी इंक्लूड नहीं है और 7 भी इंक्लूड नहीं है, तो बहुत आसान है, ये लीजिए, ये लो साहब समुच्चय, इसका रोस्टर रूप क्या होगा बच्चों, ये मंजिला ब्रैकेट तो लगाना है, -3 इंक्लूड नहीं होगा, तो -3 से बड़ा बच्चों कौन हुआ, -2, लगाएंगे -1, बात समझ में आ रही है ना, पूर्णांक है, फिर क्या आएगा, 0, बोलो हाँ या ना, फिर क्या आएगा बच्चों, 1, फिर क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे, क्योंकि इसने क्या बोला, 7 से छोटा, ठीक है। बस ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। बहुत आसान है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के जब क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों बिल्कुल लाजवाब मजा आता है, और जब मैथमेटिक्स में मजा आने लग जाता है तो नींद उड़ जाती है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं तो नींद नहीं आती, फिर हमारे को पढ़ने का मन करता है। बी क्वेश्चन में दो क्या कर रहा है, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है ना, तो आइए ये बी। अच्छा 6 से कम की बात करें तो वो प्राकृत संख्या बच्चों कौन से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है, तो 1, 2, अरे अपने आप अंदर से आवाज आ रही है ना, 4, 5, 6 से कम बोला तो बस यहीं पे इसको स्टॉप कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। रोस्टर रूप का पता है ना, ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन में तीसरे का तीसरा क्या कह रहा है, एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है, 2 डिजिट नंबर है ना, जिसके अंकों का योगफल 8 है,
ठीक है, तो स्टार्ट करें। अब देखो उसको बनाने का तरीका ना, जैसे सॉल्यूशन देखने के बाद तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चे याद भी कर लेंगे, लेकिन याद नहीं करना मैं कैसे सोच रहा हूँ, मतलब बच्चों सोचना सीखो। मैथमेटिक्स में ओरिएंटेशन डेवलप होनी चाहिए, क्वेश्चन को देखकर आपके अंदर से आवाज़ आना स्टार्ट होनी चाहिए। हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आ रहा हो, पर आप कुछ स्टेप तक तो पहुँचो। बात समझ रहे कि मैथमेटिक्स सीखनी है हमारे को, याद नहीं करनी, अप्रोच डेवलप करनी है, सोचना सीखो, है ना। देखो मैं कैसे इसको करूंगा, ये सी सेट हमने लिया, रोस्टर रूप है, मंजिला ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब दो अंकों की संख्या लेनी है, तुम एक से शुरू होता है, ठीक है, कि पहली एक होगी। अब उसको एट बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आठ बनाने के लिए योगफल क्या चाहिए, सात चाहिए ना। तो सर पहला नंबर आप लिख दो 17, ठीक है। अब ऐसे याद नहीं, ऐसे नहीं करना कि पहले मैंने 62 ले लिया, 6 और 2 फिर 26 ले लिया, बिल्कुल आराम आराम से। अब दो को पकड़ लो, मतलब दिमाग में अरेंजमेंट जितना सिस्टमेटिक होगा उतना ही मजा आएगा, उतना ही कंफर्टेबल रहोगे तुम, है ना। कोई डिजिट कोई अंक स्किप नहीं होगा हमारे से, है ना। एक की बारी आ गई, अब दो, अब दो के लिए एडिशन, आठ बनाने के लिए योगफल, आठ बनाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है बच्चों, 6 की आवश्यकता है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका उल्टा भी ले लेंगे 62, वो भी सही है, लेकिन हमें मतलब अरेंजमेंट बिल्कुल दिमाग में प्रॉपर होना चाहिए। एक की बारी आ गई, एक के साथ 7 आ गया, दो की बारी आ गई, 6 आ गया, अब ले लो 3, 3 के साथ कौन आएगा, 5, अब ले लो 4, 4 के साथ कौन आएगा, 4 ही आएगा साहब, 5, 5 के साथ कौन आएगा, 3 आएगा, 6 के साथ कौन आएगा, 2 आएगा, बोलो हाँ ना। अच्छा 7 के साथ कौन आएगा, 1 आएगा। अब अगर 8 ले लूँ तो 8 के साथ कौन आएगा, 0 आ जाएगा ना। पढ़ो, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या है तो सर जीरो तो हो ही नहीं सकती, जीरो तो हो ही नहीं सकती। अच्छा लेकिन क्या बोला, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है वो जब 8 और 0 मिला दूंगा तो 80 बन जाएगा, तो 80 तो प्राकृत संख्या में आएगा ना, तो हम इंक्लूड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आगे बढ़े, अब लेते हैं 9। अब 9 में तो एडिशन 8 करना है तो पॉसिबल है ही नहीं, हम कोई माइनस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, योगफल, तो हमारा आंसर आ गया खत्म, रोस्टर रूप बना दिया हमने, इसकी टेबुलर फॉर्म बना दी हमने। बात समझ में आ गया, एक लिया, दो लिया, तीन लिया, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। जीरो को लेकर कंफ्यूज मत होना, उसने ही नहीं बोला कि वो अंक प्राकृत संख्या हो गया, उसने बोला दो अंकों की प्राकृत संख्या, तो 8 और 0 जब 80 मिलाया हमने तो दोनों मिलकर तो क्या बन गए, प्राकृत संख्या बन गई ना। आगे समझ में, आराम से पॉज करके नोट डाउन करना, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है, एक समुच्चय डी है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, एक अभाज्य संख्या जो कि 60 की भाजक, प्राइम नंबर्स, मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें, मैंने क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता था फिर इस प्रकार के दर्द आपके सामने उत्पन्न होने वाले हैं, अब कोई दर्द नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है। चलो आओ तो बनाए फिर समुच्चय, इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं बच्चों में, ना डी, चलो सब, अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। अच्छा 60 में 2 का भाग जाएगा, 3 में भी जाएगा और 5 में भी जाएगा, ये लीजिए खत्म, ठीक है। एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है, इसका मतलब 60 के अभाज्य गुणनखंड हम कर लें, अरे बोलो बोलो हाँ या ना, कर ले नहीं कर ले, सिखाऊं ये वाला, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे देखना एक बार, इसको यहाँ पे कर लेते हैं अपन, ठीक है। 60 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले 2 से लिया अपन ने, कितना आ गया 30, अगेन 2 से लिया कितना आ गया 15, 3 से लिया 5, फिर 5 से लिया 1, तो 2, 3 और 5 ही आ रहा है। हालांकि 2 दो बार आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, समुच्चय निर्माण करते समय हमेशा कोई अवयव, यदि किसी अवयव की यदि पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तो इस समुच्चय के अवयव कौन कौन होंगे, 2, 3 और 5। इस तरह से आप कोई से भी प्रश्न कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन करो, पहले खुद से सॉल्यूशन लिखो, वीडियो के सॉल्यूशन मत टीपना, नहीं आए फिर देखो, फिर नहीं आए दोबारा देखो, ठीक है। चलो पांचवा, वही रोस्टर रूप, एक सेट ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। हमने क्या बोला था, जो अक्षर या जो अवयव पुनरावर्ती हो रही होगी जिसकी, उसको एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसका क्रम मैटर नहीं करता, एक समुच्चय ई है। रोस्टर रूप के लिए क्या लगा दिया, मंजिला ब्रैकेट लगा दिया हमने, चलो कौन कौन से बताओ, टी, ठीक है, आर, आई, देख पा रहे हो ना, जी, ओ, और भी कोई है क्या, वाई, टी आर आई जी ओ एन एम, और देख लो, टी आर आई जी ओ वाई एन एम, और कौन सा रहा बच्चों, ई, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए कौन कौन से, टी आ गया हमारे पास,
आर आ गया हमारे पास, आई आ गया हमारे पास, जी आ गया हमारे पास, एन आ गया हमारे पास, एम आ गया हमारे पास, ई आ गया हमारे पास, टी आ गया, आर आ गया, वाई आ गया, सब कुछ आ गया। ये लो जी, अब कोई अगर दो बार आ रहा हो, जैसे देखो दो बार कौन आ रहा है, ओ आ रहा है दो बार, ठीक है, इसको मैंने एक ही बार लिया तो ये समुच्चय बन गया, बस खत्म क्वेश्चन, इतना सा तो क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6, एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बहुत ही आसान है जी, देखो बना दें अब तो, एफ समुच्चय ना हमारा सर, एक तो बी को ले लेते हैं हम, एक ई को ले लेते हैं, टी दो बार आ रहा है, एक बार ले लो, ई पहले ले लिया हमने, हम क्या ले लेंगे, और ये समुच्चय बन गया खत्म, रोस्टर रूप इसका। वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना, बहुत ही आसान बात है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अभी जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्या था, रोस्टर रूप में व्यक्त कीजिए, अब किसमें व्यक्त करना है बच्चों हमारे को, समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डर, तो याद है ना, एक्स जहां पी एक्स क्या था, उसकी प्रॉपर्टी, उसका गुणधर्म था, याद आ रहा है कुछ। चलो बच्चों देखो, कंफर्टेबल तभी रहोगे जब पिछले वीडियोस आपके ढंग से देखे हुए होंगे, कोई अचानक से पार्ट 3 पे आ रहा होगा तो अनकंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है, चलो अच्छा, 3, 6, 9, 12 को देखकर क्या फील आ रहा है। अच्छा एक बात और आपको ध्यान है, क्या मैंने क्या समझाया था, समुच्चय निर्माण विधि में लिखते समय कोई यूनिक मेथड नहीं होता, हर बच्चे का मेथड अलग अलग हो सकता है, हर बच्चे का रिप्रेजेंटेशन प्रदर्शित करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, उसके गुणधर्म को, है ना, बनाते हैं एक समुच्चय एक्स जहां, अब एक्स बच्चों देखो तुम क्या बोल सकते हो, 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणक है, बोलो है कि नहीं है, लिख दे, आ जाओ, एक्स एक 3 की गुणज संख्या है। अब 3 की गुणज संख्या तो बहुत इनफाइनाइट तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, तो हमें इसकी लिमिटेशन करनी है। ठीक है, तथा x किससे छोटा है बच्चों, 15 से छोटा होगा, ये लीजिए सब, समझ में आई क्या भाई, इसकी प्रॉपर्टी तो लिखनी है हमारे को, x एक समुच्चय है जहां x 3 की एक गुणज संख्या है तथा x 15 से छोटा है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा कोई बच्चा इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, मैंने क्या बोला था, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, x एक समुच्चय है जहां जहां x बराबर 3n, 3 का मल्टीपल, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तथा क्या बोल सकते हैं बच्चों अपन, x लेस देन इक्वल टू 12, ये भी तो बात एक ही है, 12 है 12 से छोटा होगा, समझ में आई क्या बात, मतलब कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस दिमाग में क्या रखना है, एक समुच्चय x जहां उसका गुणधर्म, मतलब एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आ जाए कि ये जो मैंने लिखा वो इससे लिंक कर रहा है नहीं कर रहा, पूरा कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। देखो x 3 की गुणज संख्या है, सब गुणज संख्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब आगे ना बढ़ जाए इसके लिए मैंने क्या बोल दिया, x 15 से छोटा होना चाहिए, दूसरे में मैंने क्या लिखा उसी को थोड़ा माहौल बना के लिख दिया, बात तो वही है, x बराबर है 3 का मल्टीपल 3 into n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी मैंने बोल दिया क्योंकि नेचुरल नंबर को कैपिटल n से हम शो करते हैं, तथा x शुड बी लेस देन और इक्वल 12, यानी कि x या तो 12 होना चाहिए, 12 से छोटा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, समझ में क्या बात, बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, अब ये 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, बोलो हो रहा है नहीं हो रहा है ना। अच्छा 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो चाहे नंबर डबल हो, बात बराबर है क्या, जल्दी बोलो बात बराबर है क्या, नहीं है, क्योंकि डबल करने का मतलब तो अगर मैं इसको 2n कर दूंगा तो 2 into 5 10 होगा, ये तो 2 की पावर में इंक्रीमेंट हो रहा है, पावर बढ़ रही है ना, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो बच्चों x जहां दिख रहे हैं दो डॉट, जहां x बराबर 2 की पावर n, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x की लिमिटेशन आ रहा है 32 है ना, तो लेस देन इक्वल टू 32, ये लीजिए साहब बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो इस x लेस देन इक्वल टू 32 की जगह, केवल इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 5, बात तो एक ही है ना,
क्योंकि अगर 2 की पावर n हम करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल की जगह छोटा n ले लो, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर हमने कर ही दिया ना। अगर दूसरे तरीके लिखना तो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। भाई n का मान 5 से बड़ा होना, बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। कैसे भी ले सकते हो बच्चों, अद्वितीय रूप नहीं होता, ये मैंने पहले समझा दिया तुम्हें। अब धीरे धीरे अपन प्रश्नों की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, चलो और है जी, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बच्चों साफ साफ दिखाया जा रहा है 5 की घातों का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। अब अपने आप कर लोगे मुझे पता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक समुच्चय x जहाँ x बराबर है 5 की पावर n, n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, n शुड बी ये लो 4। भाई n का मान यानी कि जो घात हम लगाने वाले हैं वो 4 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 4 और 4 से छोटी ही होनी चाहिए। ये हमने इसका गुणधर्म लिख दिया, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 6, 8। अभी डॉट 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 चल रहा है, इसका मतलब तो अनंत तक चलेगा, यानी कि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि मैं इसमें इस तरह का कुछ नहीं करना जो हमने यहाँ पे किया। जैसे यहाँ पे हमने इसको बाधित किया ना, एक बाउंडेशन लगाई ना, कि 4 और 4 से छोटा, यहाँ पे हमने लगाया 12, 12 से छोटा, 15 से छोटा, जो भी हमने लगाया ना, यहाँ पर ऐसा कुछ लगाना ही नहीं है, तो अनंत तक है। तो जनरली तुम इसको ऐसे लिख दो, देखो। ठीक है, एक्स जहां, ठीक है, एक्स बराबर 2n, x बराबर 2n मल्टीप्लाई करना है हमारे को, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं, x एक धन सम पूर्णांक संख्या है, खत्म। धन सम पूर्णांक संख्या लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा अजीब सा लगता है बच्चों, इस तरह से लिखा करो, इसमें थोड़ा तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, क्योंकि बाद में जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो इस तरह की डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करेंगे वहां पे, बजाय प्रॉपर लैंग्वेज की। जैसे इसको मैं ऐसे लिख देता, x एक धन सम पूर्णांक संख्या है, तो वो भी सही था ना, लेकिन हमें इस तरह की लैंग्वेज से फैमिलियर होना है। बात तो एक ही है, क्योंकि आगे रिलेशन फंक्शन में डेफिनेशन मैक्सिमम इसी तरह की मिलेगी, तो फिर वहां पर कुछ बच्चों को डर लगेगा, ये बिलोंग्स टू आ गया, वहां बहुत सारे सिंबल्स आएंगे, तो वहां पर देखकर तुम्हें डर नहीं लगेगा। इसलिए मैं तुम्हें एक लिंकिंग करते हुए समझा रहा हूं पूरा। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। 1, 4, 9। बच्चों एक एक परफेक्ट स्क्वायर, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी पूर्ण वर्ग। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। बात समझ में आ गई बच्चों सभी के? तो देखो ध्यान से, इसको क्या लिखा है अपन, एक समुच्चय x जहां x बराबर n स्क्वायर। n किस क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। अब इसको लिमिटेड करना है, क्योंकि अनंत तक तो बिल्कुल नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, तथा यहाँ पे क्या लगा दोगे, तथा n छोटा और बराबर है किसके, 10 के। ये लीजिए, आ रहा ना मजा, बहुत ही आसान है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना इन सब बातों को, ऐसा मत करना। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब ज्यादा है कुछ, रोस्टर विधि को सूची विधि तो बोलते हैं, मतलब बच्चों पहले के वीडियोस यदि आप ढंग से देख रहे हो ना, तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे बोर्ड पे सॉल्यूशन करने से पहले आप कर लोगे, लेकिन वो जो मैंने प्रश्नमाला स्टार्ट करने से पहले, मैं डायरेक्ट प्रश्नमाला भी स्टार्ट कर सकता था तुम्हारी, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों समझाया, ताकि प्रश्नमाला करते समय मेरे साथ साथ तुम्हारा पेन चलता रहे। ठीक है बच्चों, और समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज मत देखना मैं क्या लैंग्वेज लिख रहा हूँ आपकी, आप भी बिल्कुल वैसे के वैसे लोग, अपनी भाषा में अपने को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे, है ना, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। चलो, एक्स एक समुच्चय है जहां x एक विषय, ये विषय नहीं है बच्चों, विषम है ना, एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो आइए जेलो साहब, एक समुच्चय a है x, अपने को क्या लिखनी है बच्चों, रोस्टर विधि लिखनी है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, विषम प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है, 1, 3, 5, 7, 9। अब क्या लगा देंगे, डॉट डॉट डॉट, ये लीजिए, खत्म। कोई इसने लिमिटेशन तो लगाई नहीं, कोई हमारे को बाधित तो किया ही नहीं कि साहब n का मान इतना होना चाहिए या 10 से छोटा, 20 से छोटा, कुछ नहीं बोला ऐसा। तो ये 1, 3, 5, 7, 9 सब क्या है, ये क्या है बच्चों, बताओ जल्दी से, विषम प्राकृत संख्या है। हमने इसको रोस्टर विधि में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर विधि बोलो चाहे सूचीबद्ध बोलो, बात तो एक ही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसका, x एक पूर्णांक है,
एक्स माइनस एक बटा दो से बड़ा तथा नौ बटा दो से छोटा होना चाहिए। अब पूर्णांक है तो पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएंगे, हमें पता है ना इंटीजर्स, मैंने पहले तुम्हें पढ़ा दिया, दशमलव का कोई काम नहीं होता। तो बच्चों ध्यान से देखिए, बी एक समुच्चय, चलो रोस्टर विधि लिखनी है हमारे को सूचीबद्ध, तो माइनस हाफ से बड़ा, अब कई बार कुछ बच्चे इसमें माइनस एक कर देंगे, है ना, माइनस एक इससे छोटा होगा ना बच्चों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट हो जाएगी हमारी कहानी, इंटीजर पूर्णांक जीरो एक दो तीन और चार पे रुक जाएंगे, क्योंकि नाइन बाई टू, नौ में दो का भाग देते हैं तो बच्चों साढ़े चार आता है, तो उससे पहले पहले की बात करनी है हमारे को, इस साइन का मतलब होता है इससे पहले और इसके बाद, ठीक है जी, समझ में आ रही ना बातें, आगे बढ़ते हैं बच्चों ध्यान से देखिए। इसी का तीसरा मतलब बहुत ही आसान प्रश्न वाला है ना, सी एक समुच्चय एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है, लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो ठीक है ये लीजिए साहब, ले लें एल ओ वाई, वाई थोड़ा गामा बन गया, वाई को मैं वाई लिख देता हूं, वाई ए, अच्छा एल दो बार आ रहा है, मैंने समझा दिया तुम्हें, वापिस समझाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शब्द यदि बार बार आ रहा है या उसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो समुच्चय निर्माण करते समय उसको दोबारा नहीं लिखा जाता, ये लीजिए, आपको इसको ऐसे भी लिख सकता है ना, पहले ए लिख दे फिर ओ लिख दे, एल लिख दे वाई लिख दे, यानी कि मैंने बोला था क्रम मैटर नहीं करता, ठीक है। इसका पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, तो बच्चों देखो एक तो स्वर होते हैं और व्यंजक होते हैं, ये व्यंजक है ना व्यंजक, ठीक है, अच्छा अंग्रेजी में स्वर पांच होते हैं ए ई आई ओ यू, उनके अलावा के से पहले कौन कौन से आते हैं वो अपन लिख देते हैं बस खत्म, ठीक है, देखो ए बी सी डी ई स्वर होता है, एफ जी एच आई भी स्वर होता है, जे, ठीक है, के से पहले की बात हमने कर दी खत्म, बहुत छोटी छोटी बात है, आगे बढ़ते हैं जी। प्रश्न छह आपकी प्रश्नमाला 1.1 का अंतिम प्रश्न, ध्यान से देखिए बच्चों, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में, मैंने ऐसे क्वेश्चन तो मैं एग्जांपल में भी समझाया था पार्ट थ्री वीडियो में ना, मतलब बाईं तरफ तो रोस्टर है और इस तरफ क्या है समुच्चय निर्माण विधि, इनको मैच करना है, मिलान करना है कि सही सही होना चाहिए, उधर बाईं तरफ क्या होना चाहिए रोस्टर और इधर क्या होना चाहिए बच्चों समुच्चय निर्माण विधि, है ना, तो एक दो तीन छह, क्या पहला वाला है, एक अभाज्य संख्या जो और छह की बात अगर, तो छह अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब ए तो बिल्कुल नहीं होगा, एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, यह भी बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्स एक प्राकृत संख्या और छह की भाजक है, यह बिल्कुल सही जवाब है, देखो छह में एक का भाग भी जाएगा, दो का भी जाएगा, तीन का भी जाएगा और छह का खुद का भी जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे एक का मिलान किससे होगा सी से होगा, ठीक है। नेक्स्ट दो व तीन, एक्स एक अभाज्य संख्या, दो भी अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है और छह की भाजक है, बिल्कुल सही जवाब, दूसरे का मिलान ए से होगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है, मैथमेटिक्स तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स यहां पर थोड़ी स्पेलिंग एरर लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर एच अगर दो बार आ गया तो भी हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमें तो एक बार ही लेना है ना, ठीक है, तो तीसरे का मिलान चौथे से कर दो डी से, बचा कौन सा जो बच गया, एक तीन पांच सात नौ, एक्स एक प्राकृत संख्या, ये नहीं, एक्स दस से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या में एक तीन पांच सात में आएगा, तो चौथे का मिलान दूसरे से बी से हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। तो वीडियो पॉज करना, अब मेरी बात सुनो, जैसे अभी तो मैं रफ कॉपी में किया होगा ना, अब एक फेयर कॉपी बनाओ, जैसे स्कूल में गृह कार्य की कॉपी होती है ना, होमवर्क वाली कॉपी, एक कॉपी बनाओ, उसमें सॉल्यूशन तुम बिना वीडियो देखे करो, एक बार तो तुमने वीडियो देख लिया सब कुछ समझ आ गया, अब प्रॉपर बढ़िया बढ़िया राइटिंग में बिल्कुल तुम्हारे खुद की सॉल्यूशन कॉपी तुम्हारे पास होनी चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम में जब उस कॉपी से तुम रिवीजन करोगे ना, तो खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन, मतलब पढ़ते ही वापस ये वाली क्लास याद आ जाएगी, मेरा चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा, सर कैसे समझा रहे थे, पर वो कब आएगा, जब खुद से एक बार मेहनत करोगे, रफ में एक बार सॉल्व कर लो इसको, फिर गृह कार्य की कॉपी में दोबारा सॉल्व करो। अगले वीडियो में अपन चलेंगे समुच्चय में, आगे की बातें पढ़ेंगे, इसके और अंदर चलेंगे, समुच्चय के टाइप पढ़ेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट परिमिति अपरिमिति वॉइड सेट नल समुच्चय खाली समुच्चय, फिर 1.2 पे चलेंगे, 1.3 पे चलेंगे, इस तरह से जुड़े रहिए बच्चों, ठीक है, आराम से नोट्स बनाइए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था अध्याय से एकक कोष्ठिका के प्रकार। आज हम बात करेंगे कि एकक कोष्ठिका के यानी कि मात्रक कोष्ठिका के कितने प्रकार होते हैं। पिछले क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि मात्रक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं,
जिनमें तीन तो क्या होती है, लंबाई होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है जी। और एक हम बात करते हैं तो वो किसकी बात करेंगे, कोणों की, यानी कि तीन कोण होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। अब यदि मैं यहाँ पे इन सब की वैल्यू अलग अलग रख देता हूँ तो वहाँ पे मुझे निम्न प्रकार के एकक कोष्ठिकाएँ मुझे मिलेगी। अच्छा जी, यदि मैं इनकी बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहली बात आती है किसकी, घनीय एकक कोष्ठिका। घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होता है, तीनों जो यहाँ पे लंबाइयाँ हैं यानी कि ए बी सी, तीनों क्या हो जाएगी भाई मेरे, बराबर हो जाएगी। और तीनों कोण क्या होंगे यहाँ पे बराबर, वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, यानी कि 90 डिग्री होंगे। और तीनों राशियाँ यानी कि तीनों जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यदि मैं अगली बात करता हूँ तो अगली बात आएगी किसकी भाई मेरे यहाँ पे, द्विसम लंबाक्ष की। आप इसको लिख लेंगे, द्विसम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष यहाँ पे रहेगा। अच्छा जी, यदि मैं द्विसम लंबाक्ष की यदि बात करता हूँ तो द्विसम लंबाक्ष में क्या होगा कि दो लंबाई तो यहाँ पे बराबर रहेगी, लेकिन जो तीसरी लंबाई है वो क्या होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी, यानी कि ए बराबर बी तो रहेगा लेकिन वो नॉट इक्वल टू सी रहेगा। अच्छा, यदि कोणों की बात की जाए तो कोण यहाँ पे पूरे के पूरे कितने रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे, यानी कि तीनों कोण कितने रहने वाले हैं, 90 डिग्री रहने वाले हैं। अच्छा जी, अगली मैं बात करता हूँ, अगली कहानी विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष से तात्पर्य यह है कि तीनों भुजाएं अलग अलग रहेगी, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं रहेगी, लेकिन कोण जो रहेंगे वो तीनों क्या रहेंगे भाई मेरे, बराबर। और वो कितना रहेंगे, 90 डिग्री, और तीनों लंबाइयां यहाँ पे अलग अलग रहेगी। अगली कहानी में लेकर के चलता हूँ तो किसकी आएगी भाई मेरे, षटकोणीय की बात आएगी। अच्छा, षटकोणीय में क्या होता है, षटकोणीय की यदि बात की जाए तो षटकोणीय में क्या होगा कि ए बराबर बी तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू सी होगा। अब आप बोलेंगे सर ये कहानी द्विसम लंबाक्ष में भी देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ पे जब आप देखते हैं तो वहाँ पे कोण जो रहता है तीनों कोण 90 डिग्री रहते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे त्रिकोणीय की बात की जाएगी तो दो कोण तो 90 डिग्री रहेंगे लेकिन तीसरा जो एंगल, तीसरा जो कोण रहेगा वो भाई मेरे 120 डिग्री रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान में रखें आप कि दोनों कोण 90 डिग्री और जो तीसरा एंगल है वो कितना रहने वाला है, 120 डिग्री का कोण यहाँ पे रहेगा। अच्छा जी, यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे अगली किसकी, त्रिसमंताक्ष की। त्रिसमताक्ष की यदि हम बात करते हैं तो तीनों जो लंबाइयां हैं वो बराबर है और तीनों कोण बराबर रहेंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं है कि तीनों यदि बराबर हो जाए तो 90 के बराबर हों, नहीं ऐसा नहीं है। 45 45 45 भी हो सकते हैं, 70 70 70 भी हो सकते हैं, लेकिन ये 90 नहीं होंगे, तब मैं इसको क्या बोलूँगा, त्रिसमताक्ष बोलूँगा। त्रिसमताक्ष या फिर त्रिसमंताक्ष भी इसको बोला जाता है और इसको कोणीय भी बोला जाता है। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं एकांताक्ष की। अच्छा, एकांताक्ष की बात की जाए तो तीनों भुजाएं यहाँ पे क्या रहेगी भाई मेरे, अलग अलग रहेगी और यहाँ पे कोण क्या रहेंगे, दो कोण तो 90 डिग्री बट तीसरा वाला जो रहेगा ना वो क्या होगा यहाँ पे 120 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ये कन्फ्यूज़न तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एग्ज़ाम में क्या ये सब चीज़ें पूछी जाती है, एग्ज़ाम में आपके दो ही चीज़ें पूछी जाएगी, सबसे पहला तो घनीय और उसके बाद में त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष की बात करें तो तीनों कोण 90 डिग्री नहीं होंगे और तीनों भुजाएं यहाँ पे बराबर नहीं होगी। ये दो चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कि घनीय की यदि बात करें तो घनीय में घनीय एकक कोष्ठिका के पैरामीटर किस हिसाब से सेट होते हैं और यहाँ पे त्रिंताक्ष के जो पैरामीटर यानी कि जो इसके परिमाप है वो किस तरह से यहाँ पे सेट होंगे। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार की बात करता हूँ तो देखो, यदि मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ यूनिट सेल, वो तो हमने किस हिसाब से देखा है कि एंगल, और वहाँ पे एक तो एंगल रहेगा, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर क्या हमारा, लंबाइयाँ। लेकिन यदि यहाँ पे मैं यदि वर्गीकरण करना चाहूँ यूनिट सेल का तो आपको दो तरह के एकक कोष्ठिकाएँ देखने को मिलेगी, एक तो केंद्रित और एक दूसरी रहेगी केंद्रित जो नहीं होगी, ठीक है जी। यदि पहली बात की जाए तो उसे बोला जाता है भाई मेरे के यहाँ पे प्राथमिक या फिर सरल एकक कोष्ठिका, यानी कि प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है, अब ध्यान से देखें, सिंपल यूनिट सेल में जो अवयवी कण होंगे यानी कि जो परमाणु हो गया, अणु हो गया, आयन हो गया, जब भी मैं अवयवी कणों की बात करूंगा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर यहां पे बातें की जा रही है किसकी, तीनों की, अणु, आयन या फिर परमाणु की आप यहां पे बात कर रहे हैं। अब इन तीनों की बात करूंगा जब भी मैं किसके बारे में बात करूंगा, अवयवी कणों की, तो ये क्या होते हैं, ये क्या होंगे भाई मेरे, कोनों पर उपस्थित होंगे और कहीं पर भी उपस्थित नहीं होंगे, यानी कि जो कोने होते हैं वहाँ पर क्या होंगे, ये अवयवी कण उपस्थित होंगे। अच्छा जी, अगली मैं बात करना चाहूँ केंद्रित एकक कोष्ठिका की। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है,
केंद्रित एकक कोष्ठिका की यदि मैं बात करना चाहता हूँ, केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा कि चारों कोनों पर उपस्थित तो है ही सही, यानी कि चारों कोनों पर तो रहेंगे ही सही, सॉरी आठों कोनों पर तो रहेंगे ही सही, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये कोना, ये वाला कोना, ये 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 ये, यानी कि आठों कोनों पर तो ये उपस्थित रहेंगे ही सही, साथ में यहाँ पे हो सकता है कहीं जो क्यूब है उसके केंद्र पर आ जाए, हो सकता है फलक के केंद्र पर आ जाए, हो सकता है कि ये फलकों के विपरीत फलकों के केंद्र पर आ जाए। तो इस हिसाब से इसको क्या किया गया है, यहाँ पे वापस से डिवाइड किया गया है, यानी केंद्रित की हम बात करें तो यहाँ पे केंद्रित में पहला जो आएगा वो कौन सा आएगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिससे इंग्लिश में बोला जाता है बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, और इसे हम अपनी सुविधा के लिए क्या लिखेंगे आज के बाद, BCC इसको बोला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे BCC के दूसरे मायने ना ले, यहाँ पे BCC का मतलब क्या रहेगा, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा जी, यदि अवयवी कणों की बात करें तो आप बोलोगे सर अवयवी कण कोनों पर तो होंगे ही सही, यानी कि आठों कोनों पर तो रहेंगे, है ना, वो बात तो आपको याद रखनी है, लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है तो भाई यहाँ पे क्या होगा, यूनिट सेल के केंद्र पर भी उपस्थित होगा। अब आपको मैं जब आगे इनको इनके संकुलन क्षमता पढ़ाऊंगा तब आपको मैं पूरा का पूरा प्रॉपर डायग्राम से बता दूंगा कौन सा कहाँ पे रहने वाला है। ठीक है जी, अच्छा जी, अगली हम बात करें तो फलक केंद्रित की, फलक केंद्रित का मतलब यह है कि सर कोनों के अतिरिक्त क्या होगा, जितने भी यहाँ पे फलक रहेंगे ना, फलक के केंद्र पर भी क्या होंगे, यहाँ पे परमाणु या फिर अणु या फिर आयन उपस्थित हो सकते हैं, यानी कि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे। फलक आप समझ सकते हैं, मान लीजिए एक रूम है, ठीक है जी, अब रूम में आपको दिखाई दे रहे हैं सर आठ कोने हैं, चार मेरे पीछे चार सामने, ठीक है, अब फलक क्या होगा, एक इधर वाला फलक होगा, अब इस वाले फलक पर के केंद्र पर क्या होगा, एक अवयवी कण उपस्थित होगा, नीचे वाले फलक के केंद्र पर भी अवयवी कण उपस्थित होगा, तो आप बोलेंगे सर फलक छह हैं तो यहाँ पे छह अवयवी कण एक्स्ट्रा उपस्थित होंगे। आई इतनी बात समझ में। अच्छा जी, अगली मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि एंड सेंट्रल यूनिट सेल, एंड सेंट्रल यूनिट सेल। अच्छा जी, अब इसकी मैं बात करता हूँ तो इसमें भी क्या होता है, फलक के केंद्र पर होता है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। वो अलग कैसे हैं, उसमें तो क्या होता है, यदि मैं FCC की बात करता हूँ तो यहाँ तो प्रत्येक फलक पर रहेगा, लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे एंड सेंट्रल यूनिट सेल की, तो यहाँ पे क्या होगा, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर रहेगा। यदि इस वाले फलक पर है तो इससे विपरीत वाले फलक के केंद्र पर होगा, यदि ऊपर है तो नीचे होगा, यदि आगे है तो पीछे होगा, इस तरह की बातें हमें करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि तीनों को यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है। पहली बात यदि आएगी तो पहली बात किसकी होगी, BCC की। BCC में क्या होगा सर, क्यूब है, ठीक है जी, अब उस क्यूब में कोनों पर तो उपस्थित है ही सही, बीच में यानी कि क्यूब का जो सेंटर रहेगा ना, वहां पर भी एक कण उपस्थित होगा, एक अवयवी कण वहां पे हमें मिलेगा। अगली बात की जाए FCC की, तो FCC यानी फलक, और फलक से आप यहां पे सीधा रिलेशन निकाल सकते हैं कि फलक का मतलब फलक के केंद्र पर। ठीक है, एंड की हम बात करें तो एंड का मतलब विपरीत, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, बढ़े आगे। चलो जी, अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आपके सामने डायग्राम्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। यदि बात की जाए इसकी, तो ये क्या था, ये केंद्रित नहीं था, हमने इसको क्या किया था, अलग लिया हुआ था, यानी कि ये केंद्रित वाला नहीं है, बाकी ये जो है ना वो क्या है, यहाँ पे केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं में आते हैं। यानी कि यदि तीनों की बात की जाए तो ये किसमें आएंगे भाई मेरे, केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सर यदि मैं पहले डायग्राम पे नजर डालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठों जो अवयवी कण हैं ये आठों कोनों पर उपस्थित हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल। आज के बाद जब भी हम बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, SCC इसको नाम दिया गया है। अच्छा, अब अगला डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल यानी कि BCC, तो आप देख पा रहे हैं सर आठों कोनों पर तो है ही है, आठों कोनों पर तो ये उपस्थित होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे इस क्यूब के मध्य भी यानी कि बिल्कुल बीच में है ना, फलक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, फलक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बीच में कहीं पे अटका हुआ है, बीच में कहीं पे कण वहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है जी, अब यदि मैं बात करना चाहूँ अगली, तो अगला कौन सा है भाई, यहाँ पे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी कि FCC, और ये कौन सा हो जाएगा, ECC, ये क्या है यहाँ पे, अंत, ये त है, ठीक है, आधा त, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित में क्या होगा सर, आठों कोनों पर तो ये उपस्थित है, आठों कोनों को मैं मार्क करना चाहूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब यदि मैं यहाँ पे दर्शाना चाहूँ किसको, फलक वालों को, तो फलक पे आप देखेंगे कि सर इधर वाला जो फलक रहेगा ना उसके केंद्र पर ये हो जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट इधर
इस वाले फलक पे ये हो जाएगा, अच्छा जी नीचे वाले फलक पर सर ये हो जाएगा, ऊपर वाले फलक पर ये हो जाएगा, इधर वाले फलक पर सर ये हो जाएगा और उसके पीछे वाले फलक पर ये हो जाएगा। यानी कितने आ गए यहाँ पे, छह अव्ययीय कण आ गए क्या, जो यहाँ पे छह फलक पर, छह फलक के केंद्र पर उपस्थित है। अगली हम बात करते हैं फाइनल, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ECC यानी कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की। अब मैंने क्या बताया था सर, यहाँ पर भी फलक के केंद्र पर होंगे लेकिन यहाँ पे विपरीत फलक के केंद्र पर होंगे। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि सर कोनों वालों को दर्शाना चाहें तो कोने वालों को कैसे दर्शा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा जी अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई, मेरे केंद्र वाले, ठीक है जी, सॉरी फलकों के केंद्र वाले, विपरीत फलकों के केंद्र वाले। तो ये वाला फलक ले लिया मैंने ऊपर वाला, इसके केंद्र पर रख दिया, नीचे वाला फलक ले लिया इसके केंद्र पर रख दिया, लेकिन आपका दिल कर रहा है नहीं सर ऊपर और नीचे नहीं, मैं रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो आप कण यहाँ पे रखेंगे दूसरा वाला, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सर मैं पीछे वाले पर रखूँ तो आपको यहाँ पे आगे रखना पड़ेगा, लेकिन ये एक मैंने बता दिया आपको किस तरह से आपको यहाँ पे विपरीत फलकों पर अवयवी कण यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सब किस बारे में था, ये सब था क्या एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार के बारे में, कि उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, ठीक है जी। और जो पिछला हमने देखा था वो किसके आधार पे था, वो उनकी लंबाई के हिसाब से, उनके कोणों के हिसाब से वो वहाँ पे वर्गीकरण किया गया था। अब अगले क्लास में जब हम बात करेंगे तो अगले क्लास में देखा जाएगा कि अब जो यहाँ पे ये वाला पार्टिकल है, मान लीजिए ये वाला अवयवी कण है, इसकी यहाँ पर कितना योगदान होगा, ठीक है, उसके बारे में हम संकुलन क्षमता को यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में, धन्यवाद। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में गणित विषय में समुचित भागतिहीन विचार, कक्षा 12 में रसायन विज्ञान विषय में ठोस अवस्था अध्याय से एकक कोष्ठिका के प्रकार। प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, इसलिए शिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए हैं नो बैग डे। यहाँ आप करियर से संबंधित जानकारी, क्राफ्ट कला, पपेट शो, जीवन कौशल व मनोरंजक कहानियाँ सुनेंगे, नई जानकारियों का लाभ व ढेर सारा मनोरंजन। नो बैग डे के साथ देखना ना भूलें शिक्षा दर्शन। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं मिशन ज्ञान तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदयपुर 313001।